पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में आजकल तीन तरह की भाजपा चल रही है, एक शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा, और इसी चक्कर में भाजपा चुनाव बुरी तरह से हारने वाली है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा इतने साल से शासन कर रही है, फिर भी प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ दुराचार चरम सीमा पर है। जनता ने भाजपा की नाकामी को देखते हुए कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रण लिया है। इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में बनेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंगरौली में सभी लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने पार्टी से विश्वासघात करने वाले नेताओं पर कहा कि इस बार पार्टी सतर्क है, किसी भी तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीन किस्म की भाजपा है, एक शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। बात साफ है कि इस मामले में किसको टिकट मिले ना मिले ये पार्टी जरूर तय करती है, लेकिन पार्टी भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देखती है। रणनीति यह है कि ठोक बजा के विधायक ऐसे बनाएंगे कि राजा महाराजा तो बिक गए, आदिवासी हमारा नहीं बिका, दलित नहीं बिका, एमएलए बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो टिकाऊ हो। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।